Hello students, welcome to the class of Sachin Sir Physics, the easiest and the finest way to learn all the concepts. So today's topic is logic gate from your chapter semiconductor device. So the very first question is, what is logic gate? If we focus on the name logic, so we can say logic means if you are connecting your bulb with a battery as well as switch, then if the switch is open, the bulb will be off. If the switch is closed, the bulb will be on. That means what? ये एक तरह का logic है ना कि अगर switch open है तो bulb off है, switch अगर close है तो bulb क्या है? On है. कब current flow हुआ, कब current flow नहीं हुआ, battery के साथ connect है और यहाँ पे ये on off वाली जो हम situation कह रहे हैं, that is a logic. Then what is gate? Gate means a type of device, a type of semiconductor device where there are so many inputs, जहाँ पे बहुत सारे inputs होते हैं, but there will be only one output and that output can be the high value or can be the low value. या तो वो high value होगा या तो वो low value होगा. यानी कुछ इस तरह से कि जैसे ये एक logic gate है. Actual में जो logic gate होता है वो बहुत सारे devices का combination होता है. अब वो devices PN junction diode है, फिर वो device आपका semiconductor device जो आपने study किया already, वो बहुत सारे devices का combination, even यहाँ पे transistor भी हो सकता है. अब हम वो discuss नहीं करने वाले कि why these are the combinations of this. We will only deal with the working of that gates, okay, जो आपके exams में important है. तो तरीके suppose करते हैं कि एक logic gate है, तो यहाँ पे मैंने दुनिया भर का input दे दिया, 10 voltage, 20 voltage, 30 voltage, 60 voltage, but यहाँ पे जो output होगा, वो output या तो सिर्फ high value को accept कर रहा होगा, या तो वो लो वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा होगा. इसमें सिचुएशन, इसमें डायोड का कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको हाई वैल्यू मिलेगा या सिर्फ आपको लो वैल्यू मिलेगा. यानी कि या तो बल्ब ऑन होगा या तो बल्ब ऑफ होगा. और अच्छा एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आप बहुत अच्छे एग्जांपल्स में मैं आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल दे सकता हूँ. देखिए कैलकुलेटर में अगर आप डिजिट देखेंगे ना तो एक ही डिजिट होता है. बहुत ध्यान से समझना ये बात. कैलकुलेटर में डिजिट एक ही होता है और उसमें ऐसे आप सपोज कर सकते हो कि डायोड्स लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 डायोड्स लगे हैं. जब आप जीरो के बटन को प्रेस करते हो तो ये वाला डायोड ऑफ हो जाता है. सी जीरो हो गया. जब आप 9 के बटन को प्रेस करते हो तो ये तो ऑन रहता है लेकिन ये वाला क्या होता है? ऑफ हो जाता है. तो ये है क्या? यानी मैं एक डिफरेंट वैरायटीज के इनपुट्स दूंगा लेकिन मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? सिर्फ ऑन या तो ऑफ, हाई वैल्यू या तो लो वैल्यू. कुछ इसी तरह की सिचुएशन माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है. बहुत बड़ी टेक्निकल बातों पे हम नहीं जाएंगे, हमारा जो डिस्कशन होगा वो फिजिक्स के फंडे के साथ ही होगा. लेकिन एग्जांपल के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि जो बाइनरी कोडिंग होती है जैसे 22, 33, 44, उसको जब आप कंप्यूटर में बाइनरी कोडिंग के डिजिट्स में स्टडी करते हो तो उसका कुछ आंसर इस तरह से होता है, 110, 111, इस तरह से आंसर होते हैं. सो वही यहाँ पर किस तरह से यूज होता है वो हम लोग देखने वाले हैं. अभी थ्योरी किस तरह से लिखना है तो पूरा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. द की पॉइंट्स विल बी, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ सेमीकंडक्टर सर्किट. ये एक सेमीकंडक्टर सर्किट है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा. ये यहाँ पे जो सर्किट है वो सभी का कॉम्बिनेशन है और वो उसका वर्किंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस पर हमें डील नहीं करना है. देन द सेकेंड पॉइंट इज, गेट इज अ सर्किट विच विल एक्सेप्ट मैनी इनपुट्स बट इट विल गिव ओनली वन आउटपुट दैट कैन बी द हाई वैल्यू और दैट कैन बी द लो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ. जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिया. देन टू एक्सप्लेन इट्स वर्किंग फॉर डिफरेंट इनपुट, टेबल विच विल यूज इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल. देखिए भैया ऐसा है कि आप यहाँ पर बहुत सारे इनपुट्स देंगे, अलग अलग वेराइटीज के इनपुट्स देंगे और आउटपुट क्या मिलेगा उसको समझने के लिए आपको एक टेबल तो प्लॉट करना पड़ेगा. वही टेबल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ट्रूथ टेबल, सच बताने वाला टेबल, ट्रूथ टेबल. ओके, देन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेशन विच शोज इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड बुलियन इक्वेशन. ये जॉर्ज साइमन बुल मैथमेटिशियन है, इन्होंने ही डेवलपमेंट किया था अलग अलग तर्क बनाकर के, अलग अलग लॉजिक बनाकर के कि कौन कौन से गेट्स में किस तरह की फंक्शंस हो सकते हैं. तो आप याद रखिएगा ये पॉइंट्स कि ये क्या है, फिर उसके बाद हाई वैल्यू लो वैल्यू के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, देन ट्रूथ टेबल क्या है और उसके बाद फिर बुलियन इक्वेशन क्या है जो उसके ऑपरेशन को, इक्वेशन को एक्सप्लेन करता है. देन द टाइप्स ऑफ गेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर, जो मेन गेट्स हैं वो है और गेट, एंड गेट
एंड नॉट गेट, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले बहुत सारे और भी गेट्स हैं जिसमें नॉर गेट है, नैंड गेट है, ये हमारे सिलेबस में 5 गेट्स हैं। इंजीनियरिंग में जब आप आगे जाएंगे तब एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, ऐसे बहुत सारे गेट्स मिलेंगे, बट आपके सिलेबस में जो हमें और आपको मिलकर स्टडी करना है दे आर द और गेट्स, एंड गेट्स, नॉट गेट, नॉर गेट एंड देन नैंड गेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट गेट विद द और गेट। और गेट होगा आपका, किस तरह से लिखने पर मार्क्स मिलने वाला है पूरा वो देखिए, मैंने यहाँ पे सिस्टम रेडी करके रखा ही है, आपको अच्छे से समझना है। ओके, सो यू कैन सी और गेट, और गेट के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्किंग सर्किट बनाया। वर्किंग सर्किट में आप देख सकते हैं आई हैव टेकन अ टू स्विच, स्विच ए एंड देन स्विच बी। फिर ये स्विच ए और स्विच बी को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, और साथ ही साथ हमने कनेक्ट किया है एक बल्ब के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट्स ऑपरेशनल सर्किट, इट्स वर्किंग सर्किट। ये वर्किंग सर्किट हो गया। अब हम कंडीशन समझते हैं। कंडीशन ये हो सकती है कि सबसे पहले आपको लिखना है स्विच ए एंड देन स्विच बी, और ये हमारी पॉसिबिलिटीज होंगी, ये हमारे इनपुट्स डिफरेंट तरह के हैं। तो ये इनपुट्स देखिए, पहले मैं यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। आप कैसे एग्जाम में याद रखेंगे वो देखिए, पहले तो दो बार ओपन लिख दो स्विच ए में, ओपन ओपन क्लोज क्लोज, देन फॉर द बी राइट इन रैंडम मैनर लाइक ओपन क्लोज एंड देन ओपन क्लोज। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है बट आपको फोर वेराइटीज के इनपुट्स को तो देने ही होंगे, ओपन ओपन क्लोज क्लोज, ओपन क्लोज एंड देन ओपन क्लोज। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट केस, स्विच ए इज ओपन, स्विच ए खुला है, और स्विच बी भी ओपन है, स्विच बी भी ओपन है। तो भैया अगर स्विच ए भी ओपन है, स्विच बी भी ओपन है, तो स्विच तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, और अगर यहाँ से कोई भी करंट चल भी रही है तो यहाँ पे पार हो ही नहीं सकती बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इफ देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू इन इट दिस वायर देन द बल्ब विल बी ऑफ। ये बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। सेकेंड केस, इन द वेरी सेकेंड केस यू कैन सी स्विच ए इज ओपन, स्विच ए खुला है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है, बट स्विच बी क्लोज है, ये क्लोज हो गया, यानी कि फुल अमाउंट की करंट यहाँ से तो पास नहीं होगी बट फुल अमाउंट की करंट जीरो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ से पास होते हुए ये पास हो जाएगा बल्ब से। एंड वेन द फुल अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू द बल्ब देन इट विल मेक द बल्ब ऑन, ये बल्ब को ऑन कर देगा। तो अब देखिए ये सिचुएशन से ये मैं समझ में आ जा रहा है कि लॉजिक गेट का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। लॉजिक गेट का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि हमने इनपुट्स अलग अलग वेराइटीज के तो दिए लेकिन बल्ब या तो ऑफ है या तो ऑन है। तो ये हुआ ना हाई वैल्यू लो वैल्यू, ऑन एंड ऑफ, दैट्स व्हाई वी विल से इट इज अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। थर्ड केस में है स्विच ए क्लोज, स्विच ए को क्लोज कर देते हैं और स्विच बी है ओपन, चलिए इसे आप ओपन कर दो। तो जब आप देख रहे हैं कि ये ओपन है तो अब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से करंट यहाँ नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से फुल इंटेंसिटी के साथ वो पास आउट हो जाएगा बल्ब में से, और जब वो बल्ब में से पास आउट होगा तो फिर से उसे क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ओके, थर्ड केस देखिए, थर्ड केस बड़ा सुंदर सा केस है। क्लोज क्लोज, आपने ए को भी क्लोज कर दिया और बी को भी क्लोज कर दिया, यानी कि अगर यहाँ से 100 एम्पेयर की करंट चली है तो वो 50-50 में डिवाइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस जंक्शन, ये जंक्शन की वजह से इट विल डिवाइड, फिर ये 50-50 एम्पेयर की करंट यहाँ पे ऐड होगी, अगेन इट विल क्रिएट 100 एम्पेयर, दैट मीन्स फुल अमाउंट की करंट जब इसमें से पास आउट होगी देन अगेन इट विल मेक अ बल्ब इन अ ऑन मोड। राइट, नाउ वी विल सी व्हाई दिस गेट इज कॉल्ड और गेट। आप देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, ये सबसे अलग है और ये सेम है, ये सेम हमें मिला अलग अलग इनपुट्स पे, लेकिन और गेट नाम क्यों दे रहे हो आप। देखिए सिमिलैरिटीज देखिए, ये ऑन करने के लिए मुझे ए ओपन रखा था मैंने और बी को क्लोज रखा था, फिर सेकंड वाले पे मैंने ए को क्लोज रखा, बी को ओपन रखा, और थर्ड वाले मैंने क्लोज क्लोज कर दिया। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है क्लोज क्लोज एंड देन क्लोज, यानी ए अथवा बी, ए अथवा बी में से किसी एक को भी आप क्लोज कर दो तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, ए अथवा बी, एंड इन इंग्लिश वी नो अथवा और गेट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है और गेट। ए अथवा बी में से आप किसी को भी क्लोज करते हो तो ये बल्ब को ऑन कर देगा। तो अब आप इसे हाई सॉरी इसे आप लो वैल्यू कंसिडर करिएगा और इसे हाई वैल्यू। याद रखिए लॉजिक गेट के अंदर जो लो वैल्यू होती है उसे हम जीरो समझते हैं और जो हाई वैल्यू होती है
दैट इज ऑलवेज कंसिडर एज वन. तो अब इसके बेसिस पर हम एक टेबल स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल को भी डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका 1 1 0 0 1 0 एंड 1 0. अब इसका लॉजिक जो हमारे साइमन साहब ने दिया था, सॉरी जॉर्ज बुलियन साइमन साहब ने दिया था कि इसे आप OR गेट है तो OR गेट को इस तरह से स्टडी करेंगे, Y इज इक्वल टू A और B. पढ़ना इसे A और B ही है, बट समझने के लिए सबसे अच्छा है कि जब प्लस रहे तो आप समझ जाओ ऐड करना है. ऐड का मतलब ये नहीं कि 1+1 2 कर देना है. 1+1 हाई वैल्यू अगेन योर आंसर इज हाई वैल्यू, तो हाई वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 होगा. फिर से देखिए 1+1 2 नहीं करना है, 1+1 हाई वैल्यू 1, बिकॉज लॉजिक गेट काम करता है सिर्फ हाई वैल्यू पे लो वैल्यू पे. आप यहाँ 20 वोल्टेज दीजिए, 20 वोल्टेज दीजिए, बाकी के इनपुट के कंपैरिजन में 20-20 हाई है तो 100% वो इसे हाई रखेगा. देन 1+0 1, 0+1 1, बट 0+0 इज 0. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार 0 आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार बल्ब ऑफ था, लेकिन 3 बार हाई वैल्यू मिल रहा है, यानी कि 3 बार बल्ब हमारे लिए ऑन है. तो ये हो गया आउटपुट. और ये जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसे हम बोलेंगे कि ये बुलियन इक्वेशन है. y इज इक्वल टू ए प्लस बी, रीड करते टाइम यू विल से ए और बी. एंड डोंट फॉरगेट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक विल बी द सर्किट सिंबल. एंड द सर्किट सिंबल ऑफ दिस OR गेट विल बी लाइक दिस. थोड़ा सा आप यहाँ पे कर्व करेंगे ये इसे ऐसे, और फिर ये टर्मिनल निकाल दो. दिस इज ए, दिस इज बी, और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू राइट दिस बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो ये हो गया आपके लिए OR गेट. ओके, टेक अ स्नैपशॉट. आप इसे थोड़ा सा थ्योरी में अच्छे से लिख लीजिए नोटबुक में. देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट गेट, एंड दैट गेट विल बी द एंड गेट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गेट इज योर एंड गेट. वी विल स्टार्ट विद दिस वर्किंग सर्किट. चलिए अब इसके वर्किंग सर्किट को ड्रॉ करते हैं. इसके वर्किंग सर्किट में भी दो स्विच आपको कंसिडर करना है, बट उसका देखिए कनेक्शन अब अलग होगा. स्विच ए एंड दिस स्विच बी. यू कैन सी कि ये दोनों स्विच अब हमें सीरीज में दिखाई दे रहे हैं. उसके साथ यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे बैटरी को, वी वोल्ट की बैटरी, और कनेक्ट हो जाएगी ये वी वोल्ट की बैटरी एक लाइट के साथ. सो व्हाट विल बी द सिचुएशन, जैसे यहाँ पे स्विच ए फिर ये स्विच बी. देखिए आप इस लॉजिक को याद रखिए कि मैं कैसे थ्योरी लिख रहा हूँ, तो आप कभी नहीं भूलेंगे. स्विच ए स्विच बी, हियर द कंडीशन इज ओपन ओपन क्लोज एंड देन क्लोज. हियर इज ओपन क्लोज ओपन एंड देन क्लोज. यहाँ पे है बल्ब की कंडीशन. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटी नंबर ए ये कहती है कि बल्ब स्विच ए भी ओपन है और स्विच बी भी ओपन है. एज दिस टू स्विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन अ सीरीज, देयर इज ओनली वन वे फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट. यानी कि अगर ये भी ओपन है और ये भी ओपन है तो करंट तो उसमें से पास आउट होगा ही नहीं. करंट अगर बल्ब में से पास आउट नहीं होगा तो ये बल्ब को ऑफ रखेगा, ठीक है. सेकेंड केस, बल्ब स्विच ए ओपन है, ये स्विच ए खुली है, और स्विच बी क्लोज है, स्विच बी बंद है. कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हुआ और फिर वो यहीं पे ब्लॉक हो गया, वो यहाँ पे पास आउट ही नहीं हो रहा. ब्लॉक हो गया वर्ड याद आ रहा है, ब्लॉक कब होता है, डायोड के रिवर्स बायस मोड में. तो ये जो स्विच है उसके जगह पे पीएन जंक्शन डायोड ही है एक्चुअल में. तो देखिए अभी भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो दिस मेक्स द बल्ब ऑफ मोड. पॉसिबिलिटी नंबर थ्री सेज क्लोज एंड ओपन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्लोज है ये ओपन है. करंट यहाँ से तो पास आउट होगा बट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, स्टिल बल्ब इज ऑफ. एंड द लास्ट केस, बोथ आर क्लोज. यस, यही तो वो केस है जो बल्ब को क्या करेगा, ऑन करेगा, क्योंकि पूरी तरह से करंट फ्लो हो सकता है, ये भी जीरो और ये भी जीरो. तो आपको डिफरेंस शायद समझ में आ रहा होगा, जो OR गेट था और ये जो गेट है एंड गेट,
सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वहाँ पे ऑन की मोड यानी कि जो हाई वैल्यू वाली कंडीशन थी वो हमने 3 times अचीव की थी, और यहाँ पे हम 3 times ऑफ की सिचुएशन को अचीव कर रहे हैं, एक ही बार हमें हाई वैल्यू मिल रहा है ऑन। और ध्यान से देखिए कि ये जो ऑन वैल्यू है, अगर हम इसे सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे ऑन, तो ऑन कब होगा, जब ए और बी दोनों क्लोज होंगे, वर्ड पे आप फोकस करिए, व्हेन बोथ दिस स्विच आर क्लोज एट दैट केस वी गेट अवर बल्ब इन अ ऑन मोड। दैट मीन्स व्हेन ए एंड बी बोथ आर क्लोज, ए और बी दोनों बंद है, तभी वो ऑन है, वर्ड आया और, हिंदी में और इंग्लिश में एंड, इसी वजह से इस गेट का नाम पड़ा एंड गेट। समझ में आया? तो ये हमारी हो गई वर्किंग सर्किट। अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो शुरुआत आप ऐसे ही करिए, 1 1 0 0 1 0 एंड देन 1 0। नाउ द ट्रुथ टेबल्स इक्वेशन विल बी लाइक y इज इक्वल टू a डॉट b, पढ़ने के लिए डॉट बट रियलिटी में a एंड b, एंड व्हाट इज इट, इट इज अ बुलियन इक्वेशन गिवन बाय द साइंटिस्ट साइमन बुलियन। ओके, नाउ दिस मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अब आप इसे पहले याद किया था प्लस था, अभी इसे मल्टीप्लीकेशन की तरह से याद करिए। 1 into 1 1 1 into 0 0 0 into 1 0 0 into 0 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस है। तो आप देख सकते हैं कि 3 times हम अचीव कर रहे हैं ऑफ जीरो लो वैल्यू, और एक बार में हमें क्या मिला है, हाई वैल्यू, दैट इज योर ऑन मोड। ओके, नाउ द सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल, इसका सर्किट सिंबल इंग्लिश के डी लेटर की तरह है, एंड लास्ट में डी वर्ड आता है, तो आप भूलने का नहीं, याद करने का तरीका है, एंड में डी वर्ड आ रहा है, इसीलिए इसका जो सर्किट सिंबल है वो इस तरह से इंग्लिश के डी लेटर की तरह है। लास्ट में वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, डोंट फॉरगेट टू राइट दैट बुलियन इक्वेशन, हियर इज ए एंड देन बी। तो ये हो गया हमारे लिए एंड गेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट गेट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ नोट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड गेट, दैट इज नॉट गेट। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए कि ये जो नॉट गेट है वो एज अ इन्वर्टर काम करता है, इट वर्क्स एज अ इन्वर्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब होता है इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट करने का मतलब है इफ़ यू आर गिविंग इनपुट एज अ हाई वैल्यू देन इट विल गिव्स यू लो वैल्यू। हाई वैल्यू आप देंगे तो ये लो वैल्यू कर देगा, और अगर आप लो वैल्यू देते हैं तो ये हाई वैल्यू कर देगा। कैसे, तो चलिए समझते हैं। तो इन्वर्टर के लिए समझना है तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग सर्किट देखते हैं। Let's see its working circuit. इसके वर्किंग सर्किट की खासियत यह है कि यहाँ पे बीच में स्विच लगा होता है, ऐसे स्विच को बीच में रखना है, यहाँ पे आपको आउटपुट अचीव करना है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, यू कैन से अक्रॉस दिस बल्ब, और यहाँ पर आप दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज इस तरह से, ओके, वी वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे एक ही स्विच आपको रखना है इन्वर्टर में, कि अंदर आपको इन्वर्ट करना है, मतलब एक ही इनपुट देना है, फिर उसका रिजल्ट को इन्वर्ट कर देना है। दैट्स व्हाई वी विल यूज ओनली वन स्विच लाइक दिस। अब देखिए कंडीशन क्या है, कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्विच और यहाँ पे लिखा है मैंने बल्ब। अगर स्विच ओपन है, व्हेन योर स्विच इज ओपन, जैसे ये स्विच ओपन है, ध्यान से समझना, ये बैटरी के प्लस से फुल अमाउंट की करंट यहाँ पे गई और यहाँ पे आके स्टॉप हुई। स्टॉप इसलिए क्योंकि ये जंक्शन है, स्टॉप वैसे होता नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये स्विच ओपन है दैट मीन्स इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा देन फुल अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस वन दिस वे, और अगर पूरा का पूरा इंटेंसिटी के साथ करंट यहाँ पे गया तो फिर ये बल्ब को ऑन कर देगा। सेकेंड केस, अगर ये क्लोज है, अब अगर ये क्लोज हो गया तो इसके कंपैरिजन में ये स्विच जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इफ दिस स्विच इज कंसिडर्ड एज अ आइडियल स्विच,
then it will offer a zero resistance. If it is not an ideal switch, it will never offer a zero resistance because ऐसा कोई device ही नहीं है जिसकी कोई resistance ना हो. लेकिन अब हम ऐसा suppose कर लेते हैं क्योंकि ये bulb है तो इसके पास कुछ तो resistance होगा because of filament 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm और उसके comparison में इसका बहुत ही कम होगा. यानी कि यहाँ से चलने वाली जो current है वो ज़्यादातर इसमें से जाएगी. ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं जाएगी, इसमें से भी जाएगी, बट इसमें से अगर सपोज कर लेते हैं हम यहाँ से 10 एम्पियर की करंट है तो 9.9 एम्पियर की करंट इसमें से जाएगी और ओनली 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इस बल्ब से. तो उस करंट से तो इस बल्ब का कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि वो क्या है, ऑफ है. तो देखिए भैया, अगर आपने ओपन किया तो ये ऑन हो गया, क्लोज किया तो ऑफ हो गया. इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मेरा ट्रुथ टेबल में ड्रॉ करने जाओ तो ट्रुथ टेबल में दिस इज ए एंड दिस विल बी कॉल्ड योर बुलियन इक्वेशन. ए बार, वी विल रीड ए बार. इफ माय इनपुट इज ए द आउटपुट इज जीरो, इफ माय इनपुट इज जीरो देन द आउटपुट इज वन. सो दिस इज योर नॉट गेट्स ट्रुथ टेबल. नाउ इट्स सिंबल, इसका सिंबल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ही इनपुट पीएन जंक्शन डायोड के जैसा होगा, बस यहाँ पे याद रखना है सर्कल. डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस सर्कल. अगर आपने सर्कल नहीं बनाया तो एग्जामिनर उसे गलत कर देगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे. दिस इज ए एंड दिस विल बी वाई इज इक्वल टू ए बार. ओके, सो दीज आर द गेट्स वी वर डिस्कसिंग, ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट्स. दिस गेट्स आर कॉल्ड योर यूनिवर्सल गेट्स. ये यूनिवर्सल गेट्स है और इन्हें यूनिवर्सल गेट्स से अब हम दो और गेट्स को स्टडी करते हैं, विच इज कॉल्ड योर नंबर 4 नॉर गेट. फिर हम डिस्कस करते हैं नैंड गेट की. अब हम इसके वर्किंग सर्किट के ऊपर नहीं फोकस करेंगे, डायरेक्टली समझते हैं कि ये क्या है. देखिए इसके नेम से पता चल रहा है नॉर गेट, यानी कि इसमें एक होगा नॉट गेट प्लस दूसरा होगा इसके अंदर और गेट. सो बेसिकली समवन आस्क व्हाट इज नॉर गेट, यू कैन एक्सप्लेन सर नॉट गेट इज द नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एज वेल एज और गेट. मीन्स आपको करना ये है कि एक और गेट, ये हमारा हो गया और गेट, और फिर उसके आउटपुट, जो आउटपुट आएगा ए और बी, उसको दे देना है इनपुट में, वो भी किसके इनपुट में, तो नॉट गेट के. तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी बार. क्योंकि नॉट गेट है तो नॉट गेट का जो आउटपुट होता है वो बार हो जाता है, जो भी इसकी इनपुट है वो इन्वर्ट हो जाती है. तो अगर यहाँ पे इनपुट ए प्लस बी है तो ये ए प्लस बी का बार होगा. बट अब कन्वीनियंस के लिए हम इतना बड़ा सर्किट सिंबल नहीं रखते हैं, इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से है. यहां से आपको और गेट ड्रॉ कर देनी है और फिर लास्ट में नॉट गेट के लिए ये सिंबल रखना है. तो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ और गेट. लेकिन याद रखने के लिए, अगर यहाँ पे सर्कल है तो आप याद रखना, सर्कल नहीं है तो वो और गेट है, और जैसे ही सर्कल आ जाएगा तो वो नॉर गेट है. डोंट फॉरगेट टू राइट इट्स बुलियन इक्वेशन ऑलवेज, ए प्लस बी एंड देन बार. लेट्स डिस्कस इट्स ट्रूथ टेबल. इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो जैसा मैंने कि पहले स्टार्ट किया था, 1100 से स्टार्ट करिए, 1010 से स्टार्ट करिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी फाइंड आउट करिए पहले. व्हाट इज ए प्लस बी, इट इज एडिशन, अ टाइप ऑफ एडिशन. 1+1 यू कैन नॉट राइट 2 एज इट इज बाइनरी. 1+0 1, 0+1 1, 0+0 0. देन द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस इज ए प्लस बी बार. सो बार का मतलब है इन्वर्ट कर देना. इन्वर्ट का मतलब है 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1. सी अगर यहाँ पे बार है तो जो भी इनपुट्स आपके होंगे वो इन्वर्ट हो जाएंगे, 1 है तो 0 और 0 है तो 1. सो दिस इज नॉर गेट. लेट्स डिस्कस द अनदर वन, दैट इज नैंड गेट. अगेन यू कैन सी नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट as well as AND gate. So आप ये याद रख सकते हैं कि NAND gate combination होता है एक NOT gate का और AND gate का, या इस तरह से आप समझिए कि यहाँ पे है एक AND gate, ये input A, input B, इसका जो output होगा वो होगा A dot B, study किया पहले, और फिर इसका जो output है उसको आपको देना है NOT gate के साथ, तो ये इसे इन्वर्ट कर देगा ए डॉट बी का बार.
लेकिन हमारे कन्विनेंस के लिए अब इसका सर्किट सिंबल होगा बिल्कुल इसी के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सबसे पहले एंड गेट ड्रॉ करके आगे एक सर्कल ले लेना है, जैसे आपने ऑर गेट में किया वैसे ही एंड गेट में आगे सर्कल होगा तो हम इसे कहेंगे कि वो नैंड गेट है। दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी एंड दिस वन इज कॉल्ड योर नैंड गेट, दैट मीन्स ए डॉट बी बार। ये देखिए ए प्लस बी बार है, वैसे ही ए डॉट बी का बार होगा। फिर इसका ट्रूथ टेबल, सो ट्रूथ टेबल में है ए बी डबल वन डबल जीरो 10 एंड 10 एंड वी नीड ए डॉट बी। पहले ए डॉट बी फाइंड आउट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ए डॉट बी? मल्टीप्लिकेशन। सो 1 इनटू 1 1 1 इनटू 0 0 0 इनटू 1 0 0 इनटू 0 0 देन वी विल फाइंड इट्स फाइनल आंसर, दैट इज ए डॉट बी बार। बार मींस सिग्नल को इन्वर्ट कर दीजिए, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1। क्या डिफरेंसेस है नैंड गेट और नॉर गेट में, क्लियरली पता चल रहा है। नॉर गेट के अंदर आपको जहां पे 3 बार लो वैल्यू मिलती है, वहीं पे नैंड गेट में आपको 3 बार हाई वैल्यू मिलती है। तो ये हो गया ऑपरेशन, वर्किंग सर्किट, ट्रुथ टेबल और बुलियन इक्वेशन। तो आप ये पूरा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अभी ये नॉर गेट है, नॉर गेट और नैंड गेट। इसके बाद मैं आपको एक और सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ट्रूथ टेबल प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज वही आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और अगर वो आता है तो काफ़ी अच्छा वेटेज का होता है। तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप प्रैक्टिस करते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं कि लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल को कैसे प्रिपेयर करें। बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछना, आई विल हेल्प। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दो एग्जाम्पल्स रखे हैं, एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल नंबर टू। ये आपके पेपर में इस तरह से ड्रॉ किया हुआ आएगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेट लगता है लेकिन अगर आप एक बार इसके मेथड को समझ गए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर टू है। द क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल, प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल। ये आपका डायग्राम लॉजिक गेट्स। पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, मेक श्योर कि ये कौन सा डायोड है, आपको पहले यही वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कौन सा डायोड है? दिस डायोड इज एंड गेट, क्योंकि इसका शेप इंग्लिश के लेटर डी जैसा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंड गेट वो है जिसका शेप डी जैसा है, तो ये एंड गेट है क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं है इसीलिए एंड है, सर्कल होता तो नैंड गेट हो जाता। फिर ये साफ साफ दिख रहा है छोटू सा है वो हमारा नॉट गेट है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, कर्व है, कर्व रहेगा तो और गेट है। फिर से ये छोटू भाई साहब नॉट गेट है, सर्कल है डी है इसीलिए ये नैंड गेट है, सर्कल नहीं है ये हो गया और गेट। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम इसके इनपुट्स को प्रिपेयर करते हैं। देखिए कैसे प्रिपेयर करना है। ए बी, सबसे पहले आप ए बी में डबल वन डबल ज़ीरो लिख ही दें, डबल वन डबल ज़ीरो। उसके बाद आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको आगे जाना है। रिक्वायरमेंट मीन्स व्हाट? तो देखो, दिस इज योर एंड गेट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस इन एंड गेट? If you observe, there is the two inputs A and B. So the output will be A dot B. और इसे हम नाम दे देते हैं कि ये P है, P is A dot B. Then this P is coming as an input of this NOT gate. तो इसका जो answer होगा that is P bar. यानी अब इस OR गेट को मिल रहा है P bar. फिर से देखिए, समझ में आना चाहिए आपको। A dot B के आंसर को मैंने P कंसिडर किया है, P मिला NOT गेट को, इन्वर्टर है इन्वर्ट कर देगा P bar, फिर OR गेट के इनपुट को मिला P bar. और इस OR गेट का दूसरा इनपुट क्या है? तो ये दूसरा इनपुट आ रहा है यहाँ से, दैट इज A. तो ये है A, यानी ये OR गेट है। तो OR गेट का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? दैट इज A प्लस P bar. और इसे हम नाम दे देते हैं, ये है Q, ओके? तो अब ये Q मिला है फिर से छोटू साहब को, नॉट गेट को, जो इसे इन्वर्ट करेगा Q, तो ये है Q बार, ऑलराइट?
For this NAND gate, one input is Q bar. Now the question is, where is the second input? ये है second input, कहाँ से आ रहा है second input? C, ये आया है, ये overlap हुआ, इसका मतलब होता है overlap, wire ऊपर से गया और फिर ये आ गया, ये क्या है? तो ये P है, यानी यहाँ पर आया P, तो फिर NAND gate का output हो गया P dot Q bar, P dot Q bar, P dot Q bar, अभी भी mistake है, P dot Q bar का ये पूरा bar होगा, और अगर ये पूरा बार हो गया तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या है, R. आप ऐसे ही आगे नेम देते जा सकते हैं, पी क्यू आर. सो दिस इज पी डॉट क्यू बार कंप्लीट बार. वाई कंप्लीट बार? बिकॉज इट इज नैंड गेट. तो अभी देखिए R यहाँ पर आ चुका है और इस और गेट को दूसरा मिल रहा है यहाँ से क्यू बार, ये क्यू बार, R और क्यू बार. अब इसका जो भी आउटपुट होगा हम यहाँ लास्ट में दे देते हैं उसे Y. तो Y विल बी R प्लस क्यू बार, ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन. अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मुझे ज़रूरत है वेरीफाई करने के बाद P की, तो P है क्या? तो P है A डॉट B. A डॉट B मीन्स व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, देख लीजिए. फिर अब आगे बढ़ो, P के बाद मुझे रिक्वायरमेंट है P बार की. ऑल राइट, P बार मतलब क्या? एज अ इन्वर्टर, दैट मीन्स डबल 1 डबल 0, 1 0 1 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1. After finding the value of P bar, move on, आगे बढ़ जाओ. अब आगे मुझे जरूरत है Q की. Q, Q क्या है? That is A plus P bar. All right, A plus P bar. Where is A? ये रहा A. कहाँ पर है P bar? तो ये रहा P bar. Plus है. Dear student, direct plus करना. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. एक चीज़ याद रखिए, जरा सा भी आप यहाँ पे फास्ट प्रोसेस करेंगे, एक भी इनपुट और आउटपुट में 0 1 गया तो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए टेक अ प्रॉपर केयर. सो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1. सो दिस इज A प्लस P का बार, दैट इज Q. एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Q, आई नीड Q बार. मुझे अब चाहिए Q बार. Q बार का मतलब है इन्वर्ट. इन्वर्ट का मतलब है 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का वापस 0. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं A प्लस P का बार. यस 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 एंड यस, ओके, 4 0 आ चुके हैं, Q बार तक हम पहुंच चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे हमें चाहिए R, और R है क्या? तो R है P डॉट Q बार, फिर उसका भी बार है, P डॉट Q बार का बार. तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पहले तो आप P डॉट Q बार को पकड़िए, ये रहा P और ये रहा Q बार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर इन्वर्ट कर देना है. तो चलिए फिर से देखिए, P डॉट Q बार ये रहे, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1 इंटू 0 0, बट इन्वर्ट हुआ तो 1, 1 इंटू 0 0 इन्वर्ट हुआ तो 1, 0 इंटू 0 0 इन्वर्ट 1, 0 इंटू 0 0 इन्वर्ट 1, दैट इज R. After finding the value of R, now I need R plus Q bar. अब आप इस भंवर से बाहर निकल चुके हैं, लास्ट में Y की जरूरत है और Y है R plus Q bar, यानी कि मुझे अब डायरेक्टली ऐड करना है. ओके, तो R कहाँ पे है? ये रहा R और ये रहा Q bar, साइड बाय साइड ही हैं, बहुत आसान है. 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1. तो जिस भी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन के आउटपुट में 4 टाइम्स 1 होगा, ही विल गेट द गुड मार्क्स, उसे पूरा मार्क्स मिलेगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2. चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. NAND गेट, दिस वन इज अगेन OR गेट, दिस वन इज योर NOR गेट, बिकॉज यहाँ पे सर्कल है, एंड अगेन इट इज NOR गेट, एंड दिस छोटू वन इज कॉल्ड योर NOT गेट. ओके, दिस वन इज A, दिस वन इज B, सो दिस विल बी P इज इक्वल टू A प्लस B. P हो गया, इस इनपुट का नाम P हो गया. अब NAND गेट को क्या मिल रहा है? तो NAND गेट का यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को मुझे चेंज करना पड़ेगा. चलिए यहाँ से हम इनपुट दे देते हैं, ये इस तरह से. ओके, तो अब NAND गेट को दो इनपुट मिल रहा है, एक इनपुट तो है P और दूसरा इनपुट है, देखिए दूसरा इनपुट है B, यानी NAND गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा, सपोज कर लेते हैं Q, तो Q इज इक्वल टू P एंड देन B, दैट मीन्स P डॉट B बार,
एज इट इज NAND गेट, बाहर तो करना ही होगा, ठीक है. देन दिस वन इज कमिंग फ्रॉम दैट P, तो ये P है, P और फिर Q, ये OR गेट को मिलेंगे और यहां पर हमें मिलेगा P प्लस Q, इसे मैं नाम दे देता हूं R. फिर ये R मिल रहा है NOR गेट को, और ये देखिए ये था कनेक्शन A का, तो यानी कि छोटू साहब ने उसे इन्वर्ट करके A बार किया है, तो एक मिला NOR गेट को A बार और दूसरा मिला है R, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी R प्लस A बार का बार पी क्यू आर. तो चलिए इसे सपोज कर लेता हूं मैं S, एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ S, दिस S विल बिकम द इनपुट फॉर दिस NOR गेट, एंड लुक एट दिस, ये यहां से आ रहा है, यानी कि ये A बार है. एंड फाइनली मुझे और NOR गेट का आउटपुट करना है Y, तो ये OR गेट है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं, A बार प्लस S कंप्लीट बार. ओके, लेट्स प्रिपेयर इट्स ट्रूथ टेबल. वी विल स्टार्ट विद दिस A एंड B, 1 1 0 0 1 0 एंड 1 0. रिक्वायरमेंट है P की, P क्या है, A प्लस B. A प्लस B मीन्स 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0, एडिशन करना है सिंपल. ओके, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ P वी नीड Q, और Q क्या है, तो Q है P डॉट B का बार. ये रहा P, ये रहा B. देखिए बार रहे तो शांति से करना है आपको, पहले इंटू करिए, 1 इंटू 1 1, इनवर्ट 0, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, इन्वर्ट 1 1 इंटू 1 1, इन्वर्ट 0, 0 इंटू 0 0, इन्वर्ट 1. ऑल राइट, सो दिस इज Q. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ Q वी नीड P प्लस Q, दैट इज R, P प्लस Q, इसे प्लस करना है, 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 4, हाई वैल्यू. नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ R we need S, and that S is, यहां पे करते हैं, that S is R plus A bar complete bar. A bar के लिए मैं यहीं पर साइड में एक कॉलम ड्रॉ कर लेता हूं. A bar means 0 0 1 and 1, आप ऐसे कर सकते हैं, A bar की जरूरत थी तो 0 0 1 1. फिर अब देखिए R plus A bar चाहिए मुझे, I want R plus A bar. So 1 plus 0 1 plus 0 is 1, but its invert is 0. 1 plus 0 1 invert 0, 1 plus 1 1 invert 0, 1 plus 1 1 invert 0. So this is the value of S. All right, after getting the value of S we need Y, and what is Y? Y is equal to A bar plus S whole bar. So this is your S and this is your A bar, दोनों का प्लस करके उसे हम इन्वर्ट करते हैं, तो 0 plus 0 0 invert 1 0 plus 0 0 invert 1 0 plus 1 0 plus 1 1 invert 0 0 plus 1 1 but invert 0. Thus there is 2 high value and there is 2 low value. ये दो आपके 1 है और दो आपके 0 हैं. तो ये था न्यूमेरिकल, और यू कैन से द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, किसी भी तरह का बोर्ड हो, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इवन ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, JEE, NEET एंड ऑल. सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ दिस लॉजिक गेट, यू कैन आस्क इन द कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.